दोस्तों बड़े स्क्रीन पे कंटेंट कंज्यूम करने का जो मजा आता है ना, दैट इज डिफरेंट, उसका चार्म ही अलग है। और इसीलिए आज भी थिएटर्स पे जाते हैं और मूवीज वगैरह एंजॉय करते हैं, वैसे आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा ये जो फ्री स्टाइल है ना, जो सैमसंग ने अभी लॉन्च किया, ये लॉन्च होने से पहले कुछ 15-20 दिन मैं इसके बारे में सुन रहा था एंड आई वॉज सो एक्साइटेड जब ये आने वाला था। क्यों? क्योंकि ऐसा स्मार्ट प्रोजेक्टर मैंने नहीं देखा हुआ है। जी हाँ, इट इज अ स्मार्ट प्रोजेक्टर। और स्मार्ट प्रोजेक्टर क्यों? क्योंकि जैसे आपके स्मार्ट टीवी पे आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरह ये सब चीजें देख सकते हो इफ यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, वैसे ही कुछ फ्री स्टाइल है बट इन अ वेरी वेरी स्मॉल पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर। और एक्चुअली जब मैंने इसे यूज किया, पिछले 3-4 दिनों से हम यूज कर रहे हैं, इट इज सो इजी टू सेट अप। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि आप प्रोजेक्टर देखोगे थोड़े बड़े होते हैं, फिर आपको स्क्रीन वगैरह जो है एडजस्ट करनी पड़ती है, नॉट विद दिस वन, ऑटो एडजस्ट करता है दोस्तों। जी हाँ, फ्रॉम 30 inches to 100 inches की स्क्रीन आपको मिलती है। सोचिए, इट इज लिटरली प्लग एंड प्ले, HDMI केबल्स डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट पावर ऑन कीजिए एंड यू गेट स्टार्टेड। एंड व्हाट वाज इंप्रेसिव वाज इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में भी दोस्तों इसके जो 5 वॉट के 360 डिग्री स्पीकर्स हैं, दे आर गुड इनफ फॉर 90% ऑफ कंटेंट। मतलब आप मूवी वगैरह देख रहे हो, गाने वगैरह सुन रहे हो, दैट इज क्वाइट गुड। तो ये सभी चीजें दोस्तों सैमसंग ने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में फ्री स्टाइल में दी हुई है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव सो टू से। और एक बात कहूं दोस्तों, यू कैन एक्चुअली टॉक टू दिस फ्री स्टाइल। जी हाँ, बिग्सबी एंड एलेक्सा इन वर्चुअल असिस्टेंट का सपोर्ट है। इसका मतलब लिटरली फ्री स्टाइल से बात कीजिए कि भाई ये मूवी लगाओ, यूट्यूब के ऊपर लग जाएगा। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जनरली क्या होता है दोस्तों, जब आप प्रोजेक्टर लेते हो तो यू विल नीड दैट प्रॉपर व्हाइट स्क्रीन कलर्स वगैरह ठीक दिखने के लिए। लेकिन अगर यू नो आपके कलर्स जो है, जो बैकग्राउंड का कलर है थोड़ा ऑफ है, ऑफ व्हाइट या फिर क्रीम वगैरह है, थोड़ा ग्रीनिश वगैरह, तो वो कॉम्पनसेट करता है, प्रॉपरली कलर्स दिखाता है। इसका मतलब व्हाइट स्क्रीन की जरूरत नहीं है इसे, इट एडजस्ट ऑटोमेटिकली एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट स्मार्ट। जैसे पहले बताया दोस्तों, स्मार्ट टीवी के जैसे ही आपको सभी ऑप्शंस मिलते हैं, आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल इधर भी नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी, यूट्यूब, अलेक्सा, सब कुछ है। इनफैक्ट सैमसंग का खुद का भी सैमसंग टीवी प्लस है, जहां पे बहुत सारा कंटेंट आपको बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। यू ओनली नीड टू हैव इंटरनेट। और एक बेस्ट बात बताऊं जो अगेन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैं इसे घर पे लेके गया था रात को सोते समय। दोस्तों अगर आपको सीलिंग पे प्रोजेक्ट करना है मूवी और देखना है सोते सोते, यू कैन डू दैट। जी हाँ, इट हैज गॉट दिस 180 degree, लुक एट दैट। Yes, you can do that. इधर मैं अभी देख रहा था, right now I'm seeing here. Can you believe that? Look at this. That's it. Automatically adjust करता है कि भाई distance कम ज़्यादा हो गया इसलिए out of focus वगैरह जा रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता है। So you know, very impressive the way. Just look at that. It's as easy as that. वैसे दोस्तों अगर आपने इसे खरीदा तो बॉक्स के अंदर आपको obviously फ्री स्टाइल प्रोजेक्टर वो तो मिलता ही है, साथ में अडाप्टर मिलता है, केबल्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, और हाँ रिमोट कंट्रोल भी आता है। एक चीज कहना चाहूंगा, जो पावर अडाप्टर है ना, ये फ्लैट पिन के साथ है, हमारे पास जो आया हुआ है, बट जब आप खरीदोगे यू विल गेट अ राउंड पिन अडाप्टर। अनदर थिंग, ये सिर्फ प्रोजेक्टर नहीं, ये एक नाइट लैम्प भी है दोस्तों। जी हाँ, आपको सिर्फ ऊपर लगाना है और अलग अलग कलर्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं। सो You can use it as night lamp. एक बार प्रोजेक्टर आपका मूवी वगैरह खत्म हो गया, ये कैप डाल दीजिए, that will become a night lamp. कनेक्टिविटी के लिए dual band Wi-Fi है, then you also have Bluetooth 5.2, micro HDMI का पोर्ट है। सो हाँ, बाहर से भी आपको कंटेंट कुछ देखना है तो उसकी वजह से आप देख पाओगे, micro HDMI पोर्ट भी है। तो हाँ, एज अ बिग PC स्क्रीन करके आपको इस्तेमाल करना है वो भी आप कर पाओगे। और हाँ दोस्तों, स्मार्ट प्रोजेक्टर है तो रिमोट तो चाहिए, सो रिमोट इज देयर। कभी कभी मुझे थोड़ा डिले लगता है बट इट गेट्स कनेक्टेड वेरी फास्ट। और ये देखिए रिमोट जो है वो भी छोटा सा है, वेरी वेरी पोर्टेबल। वैसे दोस्तों इतने छोटे से रिमोट पे 4 डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं आपको, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, सैमसंग प्राइम वीडियो, सैमसंग टीवी प्लस, तो उसके लिए भी बटन्स है डेडिकेटेड। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, ये 100% पोर्टेबल नहीं कहा जा सकता है, अभी आपको नॉर्मल चार्जर अडाप्टर आता है जो आपको प्लग इन करना होगा। लेकिन हम सैमसंग से बात कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि वो एक पोर्टेबल, कंप्लीटली पोर्टेबल फ्री स्टाइल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जहां पे दे विल हैव काइंड ऑफ अ पावर बैंक, बैटरी होगी पीछे की तरफ जो फ्री स्टाइल को लग जाएगी। तो आप बाहर भी जाइए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर वगैरह नहीं है, तो आप सिर्फ बैटरी लगा दीजिए एंड विल बिकम कंप्लीटली पोर्टेबल। और हाँ, पावर बैंक 50 वॉट का जो पावर डिलीवरी पावर बैंक होता है वो भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर पाओगे। सो इवन राइट नाउ यू कैन एक्चुअली थियोरेटिकली टेक इट आउटसाइड विद अ पावर बैंक। इसकी जो प्राइस है वो बेंचमार्क मैं नहीं कर सकता हूं बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली यूनिक प्रोडक्ट जो मैंने अभी तक देखा हुआ नहीं है। जो नॉर्मल प्रोजेक्टर्स होते हैं उसके साथ इसकी प्राइस
प्राइस कंपेयर नहीं हो सकती है। इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों दैट इज अराउंड 85,000। दूसरी बात कहूं दोस्तों, किधर भी आप आपके घर में रख दीजिए इसे, इट विल नॉट फील आउट ऑफ द प्लेस, एज अ शोपीस दिख जाएगा। सो द लुक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। या दोस्तों यही था फ्री स्टाइल। इनफैक्ट मैं इसे घर पे 100% लेके जाने वाला हूँ। बेड पे सोते हुए ऊपर देखने का जो मजा है ना, कुछ और ही है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।